आज हम देखेंगे कि बोर्ड में और वगैरह जितने सेक्शंस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था SB सेक्शन, जिसका मतलब होता है स्टैंड बाई सेक्शन, ये कॉइल और ये कॉइल, ठीक है। अब ये बोर्ड हमारा अभी ऑन नहीं है, ठीक है, ऑन नहीं है, फिर भी हमको इसके वोल्टेज मिलते हैं। आप देख सकते हैं पिछले वीडियोज़ में आपने जैसे देखा था, अभी लैपटॉप हमारा ऑन नहीं है, फिर भी हमको वोल्टेज मिल रहा है, 3 वोल्ट मिल रहा है और 5 वोल्ट भी मिल रहा है, ठीक है। ये तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन हम जब इस बोर्ड का ऑन करेंगे तब देखते हैं बाकी सब वोल्टेज भी। जैसे यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये पूरा डेड है अभी, क्योंकि हमने इसको ऑन नहीं किया, इसलिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। खाली 3 और 5 ही ऑन होने से पहले आता है, ठीक है। तो हम इसको अभी ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो ये अभी ऑन हुआ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ये हमारा रैम का वोल्टेज जनरेशन सेक्शन है, यहाँ से हमको रैम को पावर मिलता है। ये हमारा DDR2 रैम, तो DDR2 का वोल्टेज होता है 1.8 वोल्ट, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हमारा आउटपुट साइड, आप देखिए वहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसका इनपुट साइड देखिए, फिर से प्योर नहीं है, 1.8 है लेकिन प्योर नहीं है, ये सिग्नल्स में आ रहा है क्योंकि अब तक वो अपना काम नहीं किया है, कॉइल का जो काम होता है वो अब तक किया नहीं है, ठीक है। ये हुआ हमारा रैम का सेक्शन का पावर जो ऑन होने के बाद आता है, और ये रहा हमारा ICH का वोल्टेज, यहाँ से जनरेट होता है। कोई भी चिपसेट होता है उसका वोल्ट होता है 1.05 या फिर 1.5 वोल्ट होता है, तो हम अभी देखेंगे उसी के आसपास। इधर देखेंगे, ये इसका इनपुट साइड है, आप ऑसिलोस्कोप में देख सकते हैं, ये लगभग सिग्नल्स में दिखा रहा है, ठीक है। अब इसका आउटपुट साइड भी देख रहे हैं, आउटपुट साइड में देखेंगे तो देखिए अब वोल्टेज क्लियर दिख रहा है, 1.50, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो ये हमारा हुआ ICH का सेक्शन और रैम का सेक्शन। कोई बोर्ड में अगर हमारा रैम में अगर वोल्टेज नहीं आएगा, मतलब वो बोर्ड में नो डिस्प्ले प्रॉब्लम होगा। तो बेसिकली हमको सबसे पहले सारे वोल्टेजेस चेक करने होते हैं, जब सारे वोल्टेज सही होते हैं उसके बाद हम सिग्नल पे बढ़ते हैं।